हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ की है। सो हेयर डायग्राम से हम समझते हैं कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल माइक्रोस्कोपी से कैसे डिफरेंट है। फ्लोरोसेंस एक फिनोमिना है। फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि जब कोई भी एक सब्सटेंस एक लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, क्योंकि उसमें एनर्जी भी होती है, तो उस लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है और एमिट जब करता है, तो उस वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की लाइट और लेसर एनर्जी वाली लाइट को एमिट करने की जिसकी क्षमता होती है, वो सब्सटेंस फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं और ये फिनोमिना जो है फ्लोरोसेंस कहलाता है। जब इस प्रकार के डाई से या स्टेन से हम किसी सेल को, किसी भी चीज़ को स्टेन करते हैं, तो उसमें वो फिनोमिना आ जाता है और यही प्रिंसिपल है इस माइक्रोस्कोपी का। इसमें हम देखते हैं कि एक लाइट का जो सोर्स है वो मर्क्यूरी आर्क लैम्प है। मर्क्यूरी आर्क लैम्प जो है वाइट लाइट एमिट करता है और हमको पता है कि जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, विबजी और जिसको हम बोलते हैं। तो ये वाइट लाइट जब पास होती है, यहाँ पर इनिशिएटिव फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है एक्साइटर फिल्टर, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। एक्साइटर फिल्टर, इसका काम क्या है? इट अलाउज ओनली ब्लू लाइट टू पास। इसका काम है एक्साइटर फिल्टर का कि ये केवल वाइट में से ब्लू कलर की लाइट को पास होने देता है और बाकी सारी लाइट्स को यहाँ पर रोक कर रखता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ब्लू लाइट पास होती है। अब ये लाइट पास होकर जाती है एक डाइकोइक मिरर पर। डाइकोइक मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एमिट करता है दूसरी वेवलेंथ को। डाइकोइक, जैसे डाई से दो समझ में आ रहा है हमें। तो ये क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही ब्लू लाइट इस डाइकोइक मिरर पर पड़ रही है, ये ब्लू लाइट को सीधे स्पेसिमेन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये स्टेज है और ये छोटा स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन स्टेन्ड विथ फ्लोरोसेंट डाई, तो ये फ्लोरोसेंट डाई से स्टेन किया हुआ है। जब ब्लू लाइट इसके ऊपर से पास हुई तो इसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया और एमिट किया ग्रीन कलर की लाइट को। जब हम विबजी और देखते हैं, जो 7 कलर्स हैं, उसमें ब्लू लाइट की लो वेवलेंथ है और हायर वेवलेंथ है ग्रीन लाइट की। तो ये स्पेसिमेन ने, या जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्टेन किया, उसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया और ग्रीन लाइट को, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ग्रीन लाइट को एमिट किया। अब ये ग्रीन लाइट जो एमिट हुई, तो यहाँ से ग्रीन लाइट प्लस रेसिडुअल ब्लू लाइट, क्योंकि प्योर ग्रीन नहीं हुई, उसमें कुछ रेसिड्यू रह गए ब्लू लाइट के, तो यहाँ पे शेडेड पार्ट आपको दिख रहा होगा। ये शेडेड पार्ट फिर से कहाँ पड़ा? डाइकोइक मिरर पर। इसने ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट किया था, अब ये ट्रांसमिट कर रहा है ग्रीन लाइट को। ये ग्रीन लाइट विथ रेसिडुअल ब्लू लाइट किसके पास गई? बैरियर फिल्टर के पास। दो फिल्टर्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, एक्साइटर फिल्टर पहला और दूसरा बैरियर फिल्टर। बैरियर फिल्टर, जैसे नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज़ को रोक रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ब्लॉक्स ब्लू लाइट एंड अलाउ ग्रीन लाइट टू पास। मतलब जो ये एमिशन हो रहा था, ट्रांसमिशन हो रहा था, ये ब्लू जो रेसिडुअल लाइट थी, इसमें ब्लू पार्ट था, उसको ये बैरियर फिल्टर रोक रहा है और केवल ग्रीन लाइट को पास होने देता है, ग्रीन लाइट ओनली। तो ये यहाँ से ग्रीन लाइट पास होती है और आइस पर ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सो दिस इज़ द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और देखें। मर्क्यूरी लैम्प जो है वाइट लाइट पास कर रहा है, एक्साइटर फिल्टर इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू लाइट को पास करता है, डाइकोइक मिरर ट्रांसमिट करता है स्पेसिमेन पर, स्पेसिमेन एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन एमिट करता है, ग्रीन के साथ कुछ पोर्शन ब्लू लाइट का भी वापस जा रहा है। ये डाइकोइक मिरर पर पड़ा, उसके बाद बैरियर फिल्टर पर पड़ा। बैरियर फिल्टर का काम है कि वो केवल ग्रीन लाइट को पास होने देता है और ब्लू लाइट को रोक देता है, जबकि एक्साइटर फिल्टर था वो केवल ब्लू लाइट को पास आउट होने दे रहा था। ये ग्रीन लाइट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है।
ये इम्पॉर्टेंट है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।